सो हे फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम लोग जा रहे हैं महाकालेश्वर के दर्शन करने। और बस मंदिर के हम लोग सुबह जल्दी उठ गए थे क्योंकि रात में हमें बहुत लेट हो गया था, जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो सुबह हम लोग बहुत जल्दी उठे, रेडी हुए और उसके बाद आ चुके हैं। सो यहाँ पे हम लोग महाकालेश्वर का लगवा रहे हैं चंदन और सिंदूर, और उसके बाद हमने गए और आप तो हमारे साथ बने हैं। सो देखते रहिए हमने क्या क्या किया। तो अभी हम लोग जा रहे हैं महाकाल के दर्शन करने और एंट्री लाइन में हम लोग आ चुके हैं। सुबह के यहाँ बज रहे हैं 7:30। अंदर फोन अलाउ नहीं है तो मैं अभी फोन जमा करने जा रही हूँ, उसके बाद आपको मिलते हैं दर्शन के बाद। सो ये वो मंदिर है जिसका निर्माण मोदी जी ने करवाया है महाकाल मंदिर के पास, और मैं वही कर रही हूँ शूट आप लोगों के लिए। अगर आप नहीं आ पा रहे हैं सो मेरे ब्लॉग के थ्रू आप लोग इसे देख सकें, उज्जैन महाकाल मंदिर महाकालेश्वर। सो मैं आई हुई हूँ, यहाँ लाइट के कारण फेस नहीं क्लियर आ रहा है, बट या सो ये वो प्लेस थी। लेकिन यहाँ बहुत अच्छा बना हुआ है, मैंने अभी देखा। सो मैं वो भी शूट करती हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए, और मम्मी लोगों को फोटो शूट कर देती हूँ पहले। अभी हम लोग यहाँ हैं और कहाँ हैं हम लोग, महाकालेश्वर मंदिर में जहाँ मोदी जी ने बनवाया है। सो जैसे मैंने अभी आपको वो दिखाया, और इसके बाद अब ये है यहाँ, मैं पीछे का व्यू देती हूँ आपको, ये इनके पीछे का है और आगे से तो मैंने आपको दिखाई दिया है। सो उसके बाद चले यहाँ पे देखते हैं और क्या क्या है, और आपको भी दिखाएंगे यहाँ पे क्या क्या है। सो जैसे मैंने कहा था कि अगर आप लोग यहाँ नहीं आ सकते हैं सो मेरे ब्लॉग के थ्रू आप लोग देख पाएंगे कि मोदी जी ने यहाँ पे ऐसा क्या करवाया था। मैं भी तो देख ही रही हूँ यहाँ ऐसा क्या करवाया उन्होंने, और आपको भी दिखाई रही हूँ। ये सारी प्लेसेस बहुत अमेजिंग थी, यहाँ हमने फ़ोटोशूट किया, और ये सारी प्लेसेस जहाँ बहुत मज़ा आई, बहुत शांति थी, पीस बहुत अच्छा लगा हमें देख सुन के, और बहुत ज़्यादा मज़ा आ रही थी। फिर उसके बाद हमने यहाँ भी फ़ोटोशूट किया, और बहुत यहाँ पे एक फ़नी सीन भी हुआ था। सो वो फ़नी सीन ये था कि एक अंकल अपने पॉकेट से फ़ोन निकाल रहे थे, उसके उनके पैसे गिर गए थे 5 बजे तक की, वो भैया खड़े थे तो वो उनसे कहते हैं यहाँ पैसे मत गिराइए, यहाँ पैसे गिराना अब क्या लॉस हो जाएगा लेकिन लोगों का प्रॉफिट हो जाएगा। सो बहुत फ़नी सीन हुआ था, सब लोग बहुत ऐसे बहुत मज़ा आ रही है। आप लोग सोच रहे होंगे मैं सेम ड्रेस क्यों पहनूं जो कल पहनी थी, तो यहाँ स्पेशली ऐसा है कि गर्ल्स कुर्ती पहनेंगी, साड़ी पहनेंगी, लेकिन टॉप वगैरह नहीं पहनेंगी, इस वजह से मुझे कल वाले ड्रेस वाले पड़ा, वरना मैं दूसरी ड्रेस तो लाई ही थी। अब यहाँ फिर फोन चेक हो रहे हैं, सो मैं रख रही हूँ, मतलब जमा करने जा रही हूँ फिर से। हम लोग बहुत थक गए थे जिसकी वजह से यहाँ पे हम लोगों ने एक डोनट खाया है, अभी तो मैंने बर्गर का ऑर्डर दिया है, सो बर्गर बन रहा है, और उसके बाद हम पोहा खा चुके हैं और समोसा खाया था, यहाँ पे टिक्किया नहीं मिली है। सो अभी खा रहे हैं, उसके बाद हम लोग ने थोड़ी बहुत यहाँ देखा है, ज़्यादा शॉपिंग होती है हर चीज़ यहाँ पे, यहाँ पे बस महाकाल लिखा हुआ हर चीज़ मिल रही है, कुर्ता हो चाहे शर्ट हो टी शर्ट हो यही सब चीज़ें मिल रही हैं। सो यहाँ भी हम लोगों ने कुर्ते वगैरह लिए हैं महाकाल के, और इन लोगों ने तो इसको
ये किसकी बहन है, ये हमें मिल गई, ये जब तू अब देख लेना। जैसा कि मैंने कहा था कि हमें कैमरा ले जाने को नहीं मिल रहे हैं, बट हमें रास्ता नहीं पता था तो हम गलती से दोबारा दर्शन करने ही पहुंच गए थे, इसलिए हम लोगों के फोन जमा हुए। तो मतलब हम लोगों ने एक बार पैसे दे के दर्शन किए, उसके बाद हमें फ्री में भी दर्शन मिल गए। चलो दो तीन बार हमने दर्शन कर लिए महाकालेश्वर भगवान जी के। सो अभी हम लोग आ चुके हैं स्टेशन, अब अपनी ट्रेन का वेट करेंगे जो कि 1:30 बजे की है, बट हमारा होटल का टाइम हो गया था तो हमने चेकआउट कर लिया है, थोड़ी बहुत मार्केट वगैरह की है, घूमा है, और अब हम लोग आ गए हैं स्टेशन। अब यहाँ वेटिंग रूम में वेट करेंगे और चलिए 6 वो प्लेटफॉर्म 6 भी वही है। चलिए अब इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ, होप आपको पसंद आया हो। सो लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट किसी ट्रिप वाले ब्लॉग में या फिर किसी चैलेंज के साथ। बाय बाय।